दर्शकों नमस्कार, हम भारत की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा एक रहन सहन, हमारी परंपरा बहुत समृद्ध है। कुछ बात है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है, हमारी जो परंपरा है। हर क्षेत्र की अपनी भाषा होती है, हर क्षेत्र का अपना एक रुतबा होता है, उसकी पहचान होती है, उसकी कुछ रीति रिवाज होते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो साझा होती हैं, वो एक देश को एक जो गौरव प्राप्त देने वाली होती चीज़ें होती हैं, उससे आदमी बड़ा एक प्रफुल्लित होता है कि हमारा देश कितना समृद्ध है। इसमें भिन्न भिन्न किस्म की भाषाएं हैं, बोलियां हैं, संस्कृति है, लेकिन फिर भी हमारा भारत एक इकट्ठा जुड़ा हुआ है जो विश्व भर में एक पहचान है। फिर भी भारत सरकार की ओर से और लोगों को नज़दीक एक दूसरे से मिलने के लिए कुछ प्रयास किए जाते हैं और किए जा रहे हैं, जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके अंतर्गत कुछ जो राज्य हैं उनको आपस में जुड़ने का, जैसे कलाकार हो गए, पत्रकार हो गए, कुछ और आर्टिजन हैं, उनको सारा मिला के एक दूसरे को जाने। केवल हम एक दूसरे को जानते पहचानते हैं पत्रों के माध्यम से या दूरभाष के माध्यम से, लेकिन जब रूबरू मिलते हैं, आदान प्रदान होता है, तो एक और भी आकर्षण बनता है, कुछ रिश्ते बन जाते हैं जो एक हमारी परंपरा को सुदृढ़ करते हैं, हमारी एकता को और भी बल देते हैं। बिल्कुल, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, लेखक और केंद्रीय साहित्य अकादमी के मेंबर डॉक्टर चंद्र त्रिखा हमारे स्टूडियो में हैं। डॉक्टर चंद्र त्रिखा को क्या नाम दें, क्या क्या अहदा दें? इनके पास कई अहदे आए, कई गए, एक कहीं पदवियों से कहीं अलग हैं, कहीं ऊँचे हैं। इनका डॉक्टर चंद्र त्रिखा ही अपने आप में एक समृद्ध नाम है, बहुत एक पहचान है। माधव कौशिक जी, माधव कौशिक जी का भी ऐसा ही एक ऐसा मुकाम है, कई बार कई संस्थाओं से जुड़ते हैं, एक चलते फिरते एक संस्थान होते हैं, ये उनका एक प्रतीक है। अच्छी भाषा, अच्छी कलम, अच्छे एक बुद्धिजीवी इंसान, और फिलहाल जो साहित्य अकादमी जो चंडीगढ़ है उसके साथ इनकी वाबस्तगी है, उपाध्यक्ष हैं। इनके लिए अध्यक्ष होना, उप अध्यक्ष होना, वो चीज़ें आन जान होती हैं, लेकिन ये स्थायी तौर पे एक स्तंभ हैं हिंदी साहित्य के, जैसे डॉक्टर चंद्र त्रिखा हैं, उनके साथ इनका एक बहुत एक आदर से नाम लिया जाता है। डॉक्टर चंद्र त्रिखा की बात है तो इनको अलग से लोग जानते हैं, बुद्धिजीवी के तौर पर, पत्रकार के तौर पर भी, कोई राष्ट्र लेवल की बात हो तो इनका एक हिस्सा बहुत अहम रोल लगता है उसमें। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में दोनों हस्तियाँ हैं, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत की बात अलग है, बड़ी अलग से पहचान है, लेकिन फिर भी जो भारत सरकार की ओर से ये एक दूसरे को जोड़ने, जैसे चंडीगढ़ को और दादरा नगर हवेली के कुछ आर्टिस्ट वहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ पत्रकार, कुछ लेखक यहाँ से भी गए हैं, कुछ वहाँ से भी आएंगे, जाहिर ऐसा प्लानिंग है, तो इसकी डॉक्टर साहब आपसे बात करूँगा। पहले माधव कौशिक जी, क्योंकि ये चंडीगढ़ जो प्रशासन है उसके साथ भी जुड़ाव है, नज़दीकपन है, नज़दीकपन है, एक क्या नौबत है और क्या प्लानिंग है? विलास साहब, जैसे आपने कहा कि ये एक भारत सरकार की योजना है कि एक भारत है, विविधता में एकता है, लेकिन उस एकता को दिखाने के लिए ह्यूमन कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है, व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, राज्य का दूसरे राज्य के साथ, लेखकों को, कलाकारों को एक मंच प्रदान करने के लिए, ताकि ये जो बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है, भौगोलिक भी दूरी है थोड़ी सी, भाषाओं की भी दूरी है, तो उन दूरियों के बावजूद एकता को स्थापित करने के लिए ये भारत सरकार की एक योजना बनी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाते दो दो राज्यों के कॉम्बिनेशन बनाए गए, और वो ये सोच के बनाए गए कि दोनों की भाषाएं अलग अलग हों, दोनों की, एक उत्तर का है, एक दक्षिण का है, एक पूर्व का, पश्चिम का है, इस तरह से उन्होंने क्लबिंग की है। तो चंडीगढ़ उत्तर से और दादरा नगर हवेली आप देखते हैं वो दक्षिण की तरफ ही जाके पड़ता है, या वो पठार का इलाका या तटीय इलाका कहना चाहिए, पश्चिमी भारत, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, तो इन दोनों को क्लब किया गया, और ये दो वर्षों के लिए है, ये जितने राज्य इन्होंने बनाए हैं संयुक्त रूप से, दो दो साल उनको दिए गए। उन दो सालों के दौरान कलाकारों को, लेखकों को, लोक कलाओं को एक मंच पे लाने के लिए बहुत से आयोजन, मैं जैसे आपने बताया चंडीगढ़ प्रशासन ने क्या किया, चंडीगढ़ से एक सबसे पहले
यहाँ जो अकादमियाँ हैं उनके जो पदाधिकारी हैं वो वहाँ गए, वहाँ जाके इन्होंने अपने फीडबैक दिए कि हमारे यहाँ ये होता है। ललित कला ने अपने दिए, नाटक अपने दिए, संगीत वालों ने अपने दिए, साहित्य वालों ने अपने दिए, फिर उनके लोग इधर आए, उसके बाद कलाकार गए हैं, यहाँ उनके कलाकारों ने भी प्रदर्शनी लगाई है, मंच लगाया है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमारे यहाँ से स्पोर्ट्स पर्सन गए। माधव जी, आप इतना अच्छा बोलते हैं, आपको टोकना वैसे वो, नहीं, नहीं, वो, नहीं। वो है ना, किसी का शेर है कि वो सर भी कलम कर्म देते तो होता ना मलाल, अफसोस कि उसने मेरी बात काट दी। तो बात नहीं काटूंगा मैं, बात को थोड़ा विराम देंगे, अल्प विराम देंगे, विराम भी नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब, क्योंकि केंद्रीय साहित्य अकाडमी जो नेशनल अकाडमी है उनके साथ वाबस्ती है, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा में तो इनका काफ़ी रुतबा है। डॉक्टर साहब, ये जो हो रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रयास कहाँ तक सफल हो रहा है? ये एक अनूठा प्रयास है अपने आप में, और मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रयासों से एक राष्ट्र की पहचान जो है, हमारी जो कल्चरल पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, वो सामने आती है, उभर के सामने आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब दादरा नगर हवेली की आप बात कर रहे हैं, तो दादरा नगर हवेली अपने आप में भौगोलिक रूप से उनका कम्बिनेशन है, वो भी दो क्षेत्र हैं जिनमें भूगोल बीच में आ जाता है, लेकिन उस भूगोल को काटते हुए भी ये सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है कि संस्कृति की, भाषा की, साहित्य की, कला की और संवेदनाओं की कोई सीमाएं नहीं होती, भौगोलिक सीमाओं को तोड़कर ये चीज़ें बाहर जाती हैं। और ये दादरा नगर हवेली की अपनी जो पहचान है वो इस ढंग से उभरी है कि वो एक उदाहरण है इस बात का कि भूगोल कहीं भी अड़चन नहीं डालता जब संवेदनाओं का धरातल एक हो। और वही चंडीगढ़ का है कि दोनों केंद्र शासित क्षेत्र हैं, दोनों का एक सीमित दायरा है, वो 419 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सिर्फ, और इतना ही लगभग चंडीगढ़ है। तो बहुत सीमित से दायरों में रह के भी जो सांस्कृतिक पहचान है राष्ट्रीय स्तर पर, वो दोनों ने कायम रखी है, और ये अपने आप एक जीवंतता है जो देश को एक करती है। तो ये चीज़ें एक बड़ा बड़ा सत प्रयास है, और ऐसे प्रयास सभी राज्यों में किए जा रहे हैं, दो दो राज्यों को अलग अलग कोणों से नज़दीक लाने का प्रयास किया जा रहा है, और देखा जा रहा है ये चीज़ प्रमाणित हो रही है कि संवेदनाएं जो हैं उन पर कोई वीज़ा नहीं लगता, भाषाओं पर वीज़ा नहीं लगता, लोकगीतों पर वीज़ा नहीं लगता, इन पर कोई भी अड़चन, कोई भी भौगोलिक दीवारें बीच में बाधा नहीं बनती हैं, और संवेदनाओं की जो नदियाँ हैं वो बहती रहती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि मैं फिर इस पर आऊँगा जी, क्योंकि भाषा को लेकर आऊँगा मैं। आपने कहा कि सर जो चंडीगढ़ जो प्रशासन है यूटी का, उससे क्या क्या प्रयास हुए, और आगे वाले आने वाले दिनों में क्या, खासकर जो लेखकों को लेके क्या क्या वो है? डॉक्टर साहब ने अभी जो बात कही वो बड़ी बड़ी बात है, कमाल की बात है, कि भाषाओं में, संस्कृति में, कलाओं के बीच में आप कोई विभाजक रेखा नहीं खींच सकते। तो ये बात साबित कब हुई, हमने उनको कहा कि हम आपकी 5 बड़ी पुस्तकों का, दादरा नगर हवेली की जो मूल भाषाएं हैं गुजराती और मराठी, कि भाई आप हमारे 5 किताबें गुजराती की दें, 5 मराठी की दें, हम यहाँ से हिंदी पंजाबी की देंगे, तो वो हमारा अनुवाद करेंगे, हम उनका अनुवाद करेंगे। ठीक। तो जब पुस्तकें आई और जब देखी गई, आप हैरान रहेंगे कि चाहे भाषा हिंदुस्तान की कोई हो, डॉक्टर साहब ने कहा ना, संवेदना एक जैसी, दिल एक जैसा धड़कता है, ऐसा लगता है कि वो जो गुजराती में जो बात कह रहा है वही युवा लेखक पंजाबी में कह रहा है, उसी तरह का आक्रोश हिंदी वालों में है, यही मराठी का, उसी तरह की सोच हमारे यहाँ है, उसी तरह की युवा। देखो, एक कमाल की बात हो रही है कि दुनिया में अकेला ये ऐसा देश है जो 24 भाषाओं में बात करता है, 24 भाषाओं में सोचता है, नहीं तो दुनिया के हर देश की 3-4 भाषा से ज़्यादा भाषाएं नहीं होती। अच्छा, एक जो बात जो आपने कही, चंडीगढ़ प्रशासन ने एक तो ये किया कि उनके लेखकों को और कलाकारों को आपस में ये ह्यूमन इंट्रैक्शन हुआ जी, तो पता लगता है कि जैसे हमें वैसे ही है, ये जो एक तरह से अलगाव की भावना है ये खत्म होती है। डॉक्टर साहब ने एक बात और कही कि दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेश, दोनों का दायरा बड़ा सीमित है, थोड़े से लोग वहाँ, थोड़े से वहाँ, लेकिन लोगों की संख्या से कुछ नहीं होता, उनकी सांस्कृतिक विरासत की गुणवत्ता बहुत बड़ी है। दोनों सीमित हैं, लेकिन सर इनकी जो
असीम इनकी जो गहराई है और असीम इनकी ऊंचाई है, बुलंदियां हैं। डॉक्टर साहब, इनकी जो भाषा आपने कहा है कि थोड़ा गुजराती थोड़ा मराठी का जोड़ा है जी। तो जब ये चीज़ें यहाँ आएंगी तो मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें हैं जो अनुवाद के बिना भी कहीं ना कहीं आदमी को समझ आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल आ जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बार अंतर्राष्ट्रीय पोइट्री का एक सम्मेलन हुआ जी। अब उसमें दिनकर जी को बुलाया गया जी। अब दिनकर जी ने जो कविता पढ़ी, तो कविता पढ़ने के बाद वहाँ नियम था कि अंतर्राष्ट्रीय कवि गोष्ठी में कि जो एक कविता पढ़ी जाएगी अपनी भाषा में, उसका अनुवाद जो है वो उसके साथ साथ प्रस्तुत किया जाएगा उसके तत्काल बाद। लेकिन स्वयं वहाँ के आयोजकों ने ये बिल्कुल स्वीकार किया कि ये इतनी अच्छी प्रस्तुति है कि इसमें अनुवाद की जरूरत ही नहीं है। क्या बात है। तो कई बार ये भी होता है। मैं आपको छोटी सी एक उदाहरण दे के बात वहीं विराम दूंगा कि बंगाल में मुझे माधव जी के इनके सौजन्य से मुझे वहाँ जाने का मौका मिला शांति निकेतन में। तो वहाँ सुनील गंगोपाध्याय जी बहुत बड़े बंगाली के लेखक हैं, दिग्गज पुरुष हैं, और वो साहित्य अकादमी उसके उस समय अध्यक्ष भी थे। तो उनसे पूछा मैंने फ़ोन पे कि आपको क्या चाहिए। कहने लगे अगर ला सको तो रेशमा की यार वो CD ले आना। अब रेशमा की 4 दिनों का खेल और रब्बा लंबी जुदाई, तो वो एक बंगाल में बैठा हुआ जो एक बौद्धिक धरातल पर शिखर पुरुष है वो भी रेशमा से जुड़ जाता है, पंजाब की रेशमा से, पाकिस्तान की रेशमा से, राजस्थान की रेशमा से, वो उससे संवेदनात्मक धरातल पे जुड़ा हुआ। और यही भारत की पहचान है। सबसे पहचान एक बहुत बड़ी बात होती है जिसको हमें आत्मसात करना चाहिए। और जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे, वो एक हबीब जालिब का भी एक शेर है ना कि जब हाथ में कलम हो जहन में उजाला तो मुझे क्या बुझा सकेगा कोई जुल्मतों का माला। तो मुझे मतलब जब ये चीज़ें जाग उठती हैं, जब इस धरातल पे हम जाग उठते हैं, तब देश के लिए किसी भी तरह का कोई बिखराव का, टूटन का, दूरी का या अलगाव का कोई खतरा पैदा नहीं होता। सर सर, जब हम किसी भी चीज़ को बड़ी गौर से उस एक दृष्टि से एकाग्रचित होकर देखते हैं ना, तो चीज़ समझ आने लगती है जी। जब समझ आती है तो बोलते हैं हम तो सारी ओर असमझ ही बेसमझ ही रहे। जैसे किसी भाषा को देखो ना कहीं वो संस्कृत का अपने अपभ्रंश भाषा है, उसका थोड़ा असर है, पर्शियन का असर है, ये लफ्ज़ सारे जुड़े हुए हैं, तो उसका आंचलिकता थोड़ा सा होता है लफ्ज़ बोलने में, लिहाजा है। जैसे बंगाली में शब्द है कुथ है, पंजाबी में किथे है, सेम कुथ है लफ्ज़ जो लफ्ज़ है वो डोगरी और हिमाचल में हुआ ना कुथ है किथे, अब किसने उसको किया जी, वहाँ सेम लफ्ज़ है। तो ये भाषा कहीं ना कहीं तो आई है ना। बिल्कुल। अब देखिए जैसे आपने कहा भाषा की कोई सीमा ही नहीं है, कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं, किसे नहीं इनको बांध सकता। आज़ाद परिंदे की तरह जहाँ मर्जी कोई वीज़े की जरूरत नहीं। शेक्सपियर का सर एक है ना उसका प्ले है, एक चंबा के ऊपर एक है गांव, वहाँ एक बार फोक सॉन्ग था, छोई छोई पूछे नंद लाल ते लाल चुन्नी कुने दीती हो। वो एक प्रेमिका होती है, प्रेमी बोलता है तो लाल चुन्नी किसने दी है, उसको ऐसे मजाक में बोलती है मेरा जो मतलब फलाना जो फ्रेंड है उसने दी है, कहता फ्रेंड हो तेरा मैं हूँ, तो किसी और से प्यार करती है, वो गुस्से में आके उसकी हत्या कर देता है। जब वो मारता है कहते नहीं ये मेरे मैं 5 भाइयों की अकेली बहन हूँ, भाइयों ने प्यार से दी है, फिर रोता है वो, चलाता है, पुलिस आती है पकड़ लेती है। सेम शेक्सपियर का वो एक प्ले है, एक प्ले है बिल्कुल। वो संवेदनाओं का धरातल जो है वो भूगोल भी और भाषा ही, दोनों समस्या वही है, स्मैश हो जाती है। संवेदनशीलता वही है, मानवीय आइडिया वही, मानवता वही है, वही आदमी की सोच है, वही आदमी की परिस्थितियाँ वही हैं। हम भाषाओं के जो एक परिधि है उसके कारण हम वो संप्रेषण नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो ना सब आप ये बताएं कि जो प्रयास हो रहे हैं इस लोगों को क्या जब होते हैं क्या संदेश जाता है? और ये प्रयास जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, एक पहचान बनती है एक राष्ट्र की। अब राष्ट्र की हम जब ये कहते हैं कि 24 भाषाओं वाली जिस अकादमी का मैं सदस्य हूँ, माधव जी पहले उसके संयोजक रह चुके हैं, अब वो अकादमी में आप जब भी उसका स्वरूप देखते हैं तो 24 जो भारतीय भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं का ये नुमाइंदगी वहाँ पर नज़र आती है। कोई बंगाल से आया है, कोई उड़िया से आया है, कोई कोंकण का है, कोई दूरस्थ जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनकी भाषाएँ भी हैं, वो भी एक प्रकार से मान्यता प्राप्त हैं। तो हर एक जो इतनी दूरी के बावजूद जहाँ एक साहित्य अकादमी की बैनर की बात आती है, जहाँ एक देश की बात आती है, वो लोग बिल्कुल एक स्वरूप में, एक ज्योति के रूप में आपके सामने नज़र आते हैं। उनमें कहीं भी दूरियां नज़र नहीं आती। वो लोग आपस में जो साहित्य कृतियां हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। इवन
ये आप रामायण की बात कर लीजिए, तो रामायण का जो स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास का है या वाल्मीकि का है, वाल्मीकि जी का है, ये सारे के सारे स्वरूप वहाँ अपनी लोक संस्कृति में रचे बसे हैं। अब मेघालय की अपनी रामायण है, इम्फाल में वहाँ रामायण खेली जाती है, उसका स्वरूप यही होता है कमोबेश, लेकिन उसमें तीव्रता संवेदनाओं की जो है वो और स्थानीय स्तर पर लोक संस्कृति के प्रभावों के कारण उभर कर सामने आती है। और इन प्रभावों को हम तभी आत्मसात कर सकते हैं, तभी समझ सकते हैं जब आदान प्रदान हो। आदान प्रदान नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। बहुत बढ़िया। मतलब सब जब वहाँ से कुछ लोग आते हैं, दादरा नगर हवेली से कुछ पत्रकार आने का है, क्या बीच में जो यहाँ से वहाँ गया है, क्या जो जो स्थानीय लोगों के साथ भी उनका साथ रूबरू हुआ है, जो लेखक वर्ग है साथ उठ के साथ बैठना उठना होता ये है कि यहाँ से जब कोई शिष्टमंडल जाता है तो वहाँ के शिष्टमंडल उनका स्वागत करता है, वो दोनों बैठते हैं, बात करते हैं। और एक और कमाल की बात है, जब वो देखते हैं कि हमारे सरोकार भी वही हैं, उनके वही, जो आप लोक कला की जो बात कर रहे थे, लोकगीत की बात कर रहे थे, जब उनके लोग कलाकार यहाँ के गुजराती मराठी में सुनाते हैं तो एक आदमी उसका ट्रांसलेशन करता है, जो वो ट्रांसलेशन करता है तो हमें अपने गिद्धे की बोलियां याद आती हैं। क्या बात कि भाई वो गुजराती में पेश कर रहा है, हम पंजाबी में कर रहे हैं। उसी तरह का मानव जीवन है, वही उसी तरह का संघर्ष है, उसी तरह की मस्ती है। और भंगड़े में और गिद्धे में जो बोलियां हैं, उसी तरह के टप्पे गुजराती और मराठी में। अच्छा, एक और अच्छी बात है, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि गुजराती और मराठी का जो स्क्रिप्ट है वो हमारी देवनागरी का स्क्रिप्ट जुड़ती है चीज़, तो आपको लगेगा कि भाषा जब लिखी हुई है उसकी टोन तो देखो बदलेगी, उच्चारण का तो फर्क आएगा। अब जब गुजराती में कोई कहता है मैं प्रेम करूं छू, इतना ही अंतर है। हम कहते हैं मैं प्रेम करता हूं या प्रेम करूं छू, आम भाषा में प्रेम करूं छू, उसमें करूं छू है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उत्तर भारत के खासतौर पर चंडीगढ़ की जो भाषा है और देवनागरी की जो भाषा है वो एक ही भाषा परिवार का हिस्सा है, तो उसमें ज़्यादा अंतराल नहीं है। अच्छा, एक खास बात जो दादर नगर हवेली की ओर है, वो जो इलाका है वो तटीय प्रदेश है, थोड़ा सा उसमें आदिवासी टच है, और जो आदिवासियों की लोक कलाएं हैं डॉक्टर साहब वो बिल्कुल अलग है, अलग है। उनके जो भित्ति चित्र हैं वो अलग हैं, और हम में और उनमें के जैसे चंडीगढ़ है ये एक महानगर की तरह से बसा है। आज़ादी के बाद आप देखोगे इसमें मॉडर्न आर्ट तो बहुत है लेकिन लोक कला का टच नहीं है। बहुत बढ़िया, उसमें वो लोक कला का टच, बहुत बढ़िया, उसमें वो जो आदिवासी कलाकार जो भित्ति चित्र बनाते हैं राख से लेके, खड़िया से लेके और सिंदूर से लेके, वो बिल्कुल अलग नजर आते हैं। वहाँ प्रकृति एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जग देखे मारे देसारा कोई, अब कौन इसको नहीं समझेगा। बिल्कुल, ये राजस्थान का ना होके, गुजरात का ना होके, पूरे देश का है। देश का है, जग घूमिया मारे देसारा कोई भी, ऐसे ऐसा कोई नहीं मिला। ऐसे मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, कौन समझता नहीं इसको। ये गुजराती है, गुर्जर है, गोजरी है, ये जो हमारा इलाका है अबोहर वाला है, ये जो कैथल उसमें जो है जी जी, सारा जो गंगानगर एरिया बिल्कुल है, सारा वही भाषा है। राजस्थान से लेकर हरियाणा हो गया, आगे चले जाओ उत्तर भारत में, वो कहीं ना कहीं हमारा जो पंजाबी का जो उसमें पुट है, उर्दू का भी है। डॉक्टर साहब, एंड में दो शब्दों में, अंत में आप हमको इसके बारे जो आदान प्रदान है एक कैसा कैसा होना चाहिए, आपने और से कोई थोड़ा सा और भी बता दीजिए। नहीं, वो तो सही बात ये है कि जैसे वो दुष्यंत ने कहा था ना कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत अच्छा, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आय हाय हाय। तो अब ये गंगा निकालने की बात जो है, ये हमें ये प्रादेशिक जो हमारी पहचान है इनको मर्ज करके, इनका विलीनीकरण करके या इनको आत्मसात करके या इनको समझ कर हम लोग जो एक दिव्य स्वरूप भारत का, देश का एक पैदा करेंगे, वो हमें एक नई ऊर्जा देगा। और वो ऊर्जा हमें हर स्तर पर, हर चरण पर संघर्ष करने की, जूझने की प्रेरणा देती है। बहुत बढ़िया। दरअसल जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि गंगा जो पहाड़ से निकली है वो बहनी चाहिए, और गंगा यमुना जो हमारी तहजीब है वो तो बह रही है जी, इसको और भी ये उफान पे आए। और हमें उम्मीद है कि लोग एक दूसरे को समझते हैं, भाषा कोई भी हो, आप अपना विचारों का आदान प्रदान करना चाहते हैं, वही समस्या है। आजकल दुनिया बड़ी छोटी हो चुकी है, संप्रेषण इतना बढ़ चुका है, भाषा की थोड़ी वृद्धि है लेकिन वो धीरे धीरे प्रयास हो रहे हैं।
डॉक्टर चंद्र त्रिखा जो एक अपने आप में एक चलती फिरती संस्थान है हमारे स्टूडियो में आए, और माधव कौशिक जी आपका बहुत बहुत दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।